हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन वेलकम्स यू। प्लीज जॉइन द सेशन एज सून एज पॉसिबल, देन वील स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। शेयर विद योर फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से जॉइन कर लीजिए एक बार, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एंड टुडे वील डिस्कस अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो, a great playwright belong to Renaissance, and you can say senior to William Shakespeare. Yes. So Christopher Marlowe, who is a university wit also, who wrote very beautiful plays like Dr. Faustus, Jew of Malta, and some other plays we will discuss today. So let's start without wasting the time. We'll start Christopher Marlowe. और किसी भी साथी को किसी भी तरह का यदि doubt है तो screen पर दिए गए number पर WhatsApp message आप कर सकते हैं या आप note कर सकते हैं। चलिए start करते हैं। अभी तक यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली 3:30 पे हमारा सेशन होता है और संडे को स्पेशल सेशन होता है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो, ही वाज बोर्न इन 1564। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम ईयर विलियम शेक्सपियर वॉज ऑल्सो बोर्न। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि विलियम शेक्सपियर के साथ और कौन से ग्रेट प्लेराइट हैं इंग्लिश के जिसका सेम ईयर में बात होता है। तो दैट इज क्रिस्टोफर मार्लो एंड ही डाइड इन 1593। इट मींस दैट बहुत ही यंग एज में ही इनकी डेथ हो गई थी। तो ही वाज इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, पोएट एंड ट्रांसलेटर ऑफ एलिजाबेथन ईरा। इट मींस दैट ही इज कंटेम्प्रेरी टू विलियम शेक्सपियर। एज द फॉरमोस्ट एलिजाबेथन ट्रेजिडियन, देखिए विलियम शेक्सपियर जब स्क्रीन पर आते हैं और पॉपुलर होते हैं उससे पहले मार्लो एक बड़ा फेस था। ये इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि उनसे पहले मार्लो एक बड़ा फेस था। और मार्लो जो है एक यूनिवर्सिटी विट है। मैं यूनिवर्सिटी विट्स के पहले नाम लिख देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। क्रिस्टोफर मार्लो ये तो लिखा हुआ है, थॉमस लॉज और जी आपके जॉन लिली, जॉन पीले, रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो हो गए हैं आपके। और इसमें थॉमस लॉज का जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है रोजालिंड, प्रोज वर्क है। जॉन लिली हु इज नोन फॉर हिज यूफीज, और रॉबर्ट ग्रीन के बारे में एक बात कही जाती है कि रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर के बारे में ऐसा बोला था कि देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो हु इज ब्लूमिंग ऑन अवर फेदर्स। तो एक क्वेश्चन कई बार आया कि ऐसा शेक्सपियर के बारे में किसने बोला, तो वो रॉबर्ट ग्रीन थे। और क्रिस्टोफर मार्लो, एक नाम है इसमें किड का, थॉमस केट, वो मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि थॉमस केट के बारे में कंफर्म नहीं है कि वेदर ही बिलोंग टू एनी यूनिवर्सिटी और नॉट। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन यूनिवर्सिटी विट नहीं है, और यदि किड का उसमें नाम है तो हम फिर किड को एक्सक्लूड करते हैं। किड इज नोन फॉर हिज ब्यूटिफुल ट्रेजिडी, दैट इज स्पेनिश ट्रेजिडी, स्पेनिश ट्रेजिडी, रिवेंज ट्रेजिडी है ये। आप साथ में अपने आंसर, सॉरी आंसर तो नहीं, अभी आप अपने सजेशंस लिख सकते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो एलिजाबेथन ट्रेजिडियन थे और ही इज नोन फॉर हिज ब्लैंक वर्स, मार्लोज माइटी लाइन,
ब्लैंक वर्ड्स जो यूज किया उनके लिए मार्लोज माइटी लाइन उनको बोला जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो दूसरा है कि इनकी जो डेथ थी इट वॉज क्वाइट मिस्टीरियस। इनकी लाइफ के बारे में पहले पढ़ेंगे कि इनके किस तरीके के प्रोफेशन थे। इनका जो स्कूल जो यूनिवर्सिटी का टाइम रहा वो भी काफ़ी मिस्टीरियस रहा है। वहाँ पर इनके ऊपर आरोप लगे कि ही वॉज अ स्पाई ओवर देयर। तो इस तरीके की चीज़ें हैं और इनकी डेथ भी एक मिस्ट्री है। मार्लो वॉज द सन ऑफ अ शूमेकर। ही वॉज द सन ऑफ अ शूमेकर। इट मीन्स दैट ही वॉज अ पुअर पर्सन एंड लिविंग इन कैंटरबरी। हिज फादर नेम वॉज जॉन मार्लो एंड मदर वॉज कैथरीन। तो दीज आर द पेरेंट्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। हिज डेट ऑफ बर्थ DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ नॉट नोन मीन्स हमें नहीं पता है कि ईयर हमें पता है 1564 बट डेट की बात करें तो इट इज स्टिल अननोन टू अस। लेकिन बाप्टिज्म इनका कहते हैं कि 26 फेब को हुआ था। बाप्टिज्म यू अंडरस्टैंड जो क्रिश्चियनिटी होती है उसमें बाप्टिज्म होता है जिस दिन नाम वगैरह रखते हैं क्रिश्चनाइज करते हैं। और ये 2 months बिफोर विलियम शेक्सपियर। और शेक्सपियर का जो बाप्टिज्म हो 26 को और डेट ऑफ बर्थ हालांकि उस पर भी थोड़ा डाउट है लेकिन फिर भी 23rd जो अप्रैल है वो मानी गई है शेक्सपियर के लिए। तो अब मार्लो की बात करें तो ही अटेंडेड किंग्स स्कूल कैंटरबरी। और अभी जो है वेयर अ हाउस इज नेम्ड आफ्टर हिम। एक हाउस का नाम अब जो है उनके नाम के ऊपर रखा गया है। और एंड कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज। इट मीन्स दैट ही अटेंडेड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑल्सो ऑन अ स्कॉलरशिप रिसीव्ड हिज बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन 1584। लेकिन ये डिग्री कैसे मिली इसके पीछे भी एक कहानी है। शुरुआत में मना कर दिया गया था बाद में डिग्री मिली थी इनको। शुरुआत में तो यूनिवर्सिटी ने इनको डिग्री देने से ही मना कर दिया था बट लेटर ही वॉज कॉल्ड एंड अवॉर्डेड विद द डिग्री। तो फ्रेंड्स जो भी साथी जो कोर्स है ज्वाइन करना चाहते हैं वो एकेडमिक जोन का ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 3 months 6 months 12 months इस तरीके से है। और इसमें क्या है दो तरह के कोर्स हमारे पास हैं। यदि आपको सिर्फ PYQ चाहिए इट मीन्स दैट PYQ में क्या है वहाँ पर पिछले 8 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए गए हैं। हर एक लेसन 1 घंटे का है टोटल 60 लेसन्स हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कॉम्बो कोर्स है उसमें आपका PYQ भी है क्रैश कोर्स ऑफ पेपर फर्स्ट भी है पेपर टू भी है और PDF नोट्स भी है। तो मेन कोर्स है कॉम्बो कोर्स जिसको हम बोलते हैं यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। चलिए वापस हम अपने पॉइंट पर आते हैं। तो 1587 में क्या है कि यूनिवर्सिटी ने इनको डिग्री देने से मना कर दिया इज मास्टर्स डिग्री। व्हाई बिकॉज देर वॉज अ र्यूमर दैट कि ही हैड कन्वर्टेड टू रोमन कैथोलिसिज्म। ये चीज आपने देखा होगा डन को जब हमने पढ़ा था तब भी देखा था कि ये जो कन्वर्जन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियनिटी में कि जो रोमन कैथोलिक को मानने वाले थे उनका एंग्लिकन यानी कि जो इंग्लैंड की जो चर्च है उनके साथ डिस्प्यूट रहा है आर्ग्यू रहा है और उसके चलते काफी लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। डन वॉज देयर एंड नाउ क्रिस्टोफर मार्लो वी आर टॉकिंग अबाउट बट इट वॉज मियरली अ र्यूमर एंड इट वॉज बिलीव दैट कि इंटेंडिंग टू गो टू इंग्लिश कॉलेज एट रेम्स टू प्रिपेयर फॉर प्रीस्टहुड। लेकिन डिग्री बाद में दे दी गई व्हेन द प्रिवी काउंसिल इंटरवीन्ड। इस प्रिवी काउंसिल ने इंटरवीन किया तब जाके इनको डिग्री मिली थी कमेंटिंग हिम फॉर हिज फेथफुल डीलिंग एंड गुड सर्विसेज टू द क्वीन। क्वीन किस क्वीन की बात हो रही है एलिजाबेथ। सेकेंडली ही इज ओपन एलिज टू हैव बीन अ गवर्नमेंट स्पाई। ये एक बड़ा फैक्टर है इनकी लाइफ का। थ्रू आउट हिज लाइफ ये आरोप उनके ऊपर लगता रहा कि ही वॉज द स्पाई ऑफ अ गवर्नमेंट जासूस जिसको हम कहते हैं कि ये जासूस है। इन 1592 मार्लो वॉज अरेस्टेड इन द टाउन ऑफ फ्लसिंग इन द नीदरलैंड फॉर हिज एलिज इन्वॉल्वमेंट इन द काउंटरफेटिंग ऑफ कॉइन्स। इसके लिए इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था 1592 में। 1593 में क्या हुआ ही डाइड यू नो वेरी वेल। तो ही वॉज बरीड इन एन अनमार्क्ड ग्रेव और उनकी कब्र के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा।
इन द चर्च यार्ड ऑफ सेंट निकोलस डेप्टफोर्ड इमीडिएटली आफ्टर द इनक्वेस्ट। मार्लो वॉज रेपुटेड टू बी एन एथेइस्ट और अ कैथोलिक। ये तीन चार फैक्टर, इनकी जो लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो पहले हमने दी हैं। इनकी जो डेथ हुई उनके कुछ ही वीक्स में कहिए, जॉर्ज पील जो कि उनके कंटेम्परेरी थे, साथी थे, यूनिवर्सिटी विट हैं ये भी, रिमेम्बर्ड हिम एज मार्ले द म्यूजिज डार्लिंग। ये बोला उसने, किसके बारे में बोला है? क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में, जॉन पील। माइकल ड्रेटन ये भी कंटेम्परेरी है, इन्होंने इनके बारे में क्या कहा? हैड इन हिम दोज ब्रेव ट्रांसलेशनरी थिंग्स That the first poets had। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको प्लीज अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि किसने किसके बारे में क्या बोला। और बेन जॉनसन ने उनके बारे में बोला है मार्लोज माइटी लाइन, और ये माइटी लाइन थी इनकी ब्लैंक वर्स। मार्लोज माइटी लाइन हिज ब्लैंक वर्स, और ये जो है बोला किसने है? बेन जॉनसन द ग्रेट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट ऑफ जैकोबियन एज। एंड बेन जॉनसन इज कंसिडर्ड अ क्लासिकल प्ले राइट एंड ही इज फेमस फॉर हिज कॉमेडीज। हालांकि इन्होंने ट्रेजेडी भी लिखी है, बट बेसिकली ही इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट प्ले राइट एस्पेशली द कॉमेडीज। थॉमस नैश, ये अनदर यूनिवर्सिटी भी था शायद, तब मेरे से छूट गया था ये। तो ही रोट वार्मली ऑफ हिज फ्रेंड पुअर डिसीज्ड किट मार्लो। ये इनके फ्रेंड जो थॉमस नैश है उन्होंने इनके बारे में लिखा, पुअर डिसीज्ड किट मार्लो। सो टू डिड द पब्लिशर एडवर्ड ब्लाउंट ने क्या कहा है? हीरो एंड लिंडर इनकी पोएम है, उसमें सर थॉमस वेलसिंगर, इन्होंने सब ने इनके बारे में कुछ ना कुछ कहा है। द मोस्ट फेमस ट्रिब्यूट टू मार्लो वॉज पेड बाई शेक्सपियर इन एज यू लाइक इट, वेयर ही कोट्स, जहां पर एक लाइन कोट करते हैं वो मार्लो की पोयम से, हीरो एंड लिंडर, और वो क्या है? फेम डेड शेफर्ड नाउ आई फाइंड दाई सो ऑफ माइंड हूएवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, एक्ट थ्री सीन फाइव से लाइन ली गई है। तो दिस लाइन इज यू कैन से टेकन फ्रॉम हीरो एंड लिंडर एंड इट इज कंसिडर्ड द ट्रिब्यूट ऑफ विलियम शेक्सपियर टुवर्ड्स हिज सीनियर ड्रामेटिस्ट और कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट क्रिस्टोफर मार्लो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं मार्लो के बारे में, और आपको साथ में नोट करते रहना चाहिए। आपके पास मार्लो से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है तो साथ में प्लीज लिखें ताकि हमें उस चीज का बेनिफिट हो। तो इनके वर्क्स की बात करते हैं, तो दीज आर द प्लेज। फर्स्ट वी आर कंसिडरिंग द प्लेज। द फर्स्ट वन इज दिदो क्वीन ऑफ कार्थेज। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है कि वेदर इट वॉज attributed to Marlo or not, but still it is considered that the play was written by Christopher Marlo. Next is, I think this is the most famous play of Marlo, that is Dr. Faustus. It is based on a German legend. और जहां पर ये इस जो हीरो है डॉक्टर फॉस्टस है, he is hungry for power. ये क्वेश्चन नेट में तीन चार दफा आ चुका है कि हंगर फॉर पावर, वेल्थ, किस चीज की? तो पावर की हंगर थी, और वो अपनी लाइफ को डेविल को 24 इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। 24 इयर्स के लिए उसको मैजिकल पावर मिलती है, और उसके बाद व्हाट हैपेंड इन दैट एवरीबॉडी नोज, द डेविल केम एंड ड्रैग हिम टू द हेल। डॉक्टर फॉस्टस काफी इंपॉर्टेंट प्ले। The next one is Jew of Malta. It is also very interesting play. Namaste Hardeep. Jew of Malta जो है, ये कौन है? बाबस है Jew of Malta, इनकी जो बेटी है Abigail, काफी important है, बहुत ही खूबसूरत ये play है। जो देखिए कम से कम भी जो तीन play हैं इनकी हम summary अलग से पढ़ेंगे, जिसमें आपका Dr. Faustus है, Jew of Malta है, और आप कह लीजिए एडवर्ड सेकंड है। नीचे मैंने फोर प्लेज विलियम शेक्सपियर के भी लिखे हैं, उसका क्या रीजन है? हाँ हरदीप, बताएंगे डॉक्टर फॉस्टस तो हम शॉर्ट में नहीं डिटेल में बताएंगे।
जो दिदो क्वीन ऑफ कार्थेज है इसका इम्पैक्ट शेक्सपियर के प्ले एंटनी क्लियोपेट्रा पे देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंस हम दिखा रहे हैं कि मार्लो का शेक्सपियर के ऊपर इन्फ्लुएंस क्या था, और डॉक्टर फोस्टस का इन्फ्लुएंस वो मैकबेथ के ऊपर देखने को मिलता है, ज्यू ऑफ माल्टा, मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एडवर्ड सेकेंड ऑन हिज हिस्टोरिकल प्ले रिचर्ड सेकेंड। इस तरीके से इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है शेक्सपियर के प्लेज के ऊपर क्रिस्टोफर मार्लो का, इसलिए ये लिखा है। जो प्लेज हैं जैसा कि हरदीप मैंने पहले ही बोला कि फोस्टस, ज्यू ऑफ माल्टा, इनको तो हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे एक दिन, आज भी थोड़ा सा तो बात करेंगे लास्ट में, लेकिन डिटेल में पढ़ने की जरूरत है इनको तो, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये आपके प्लेज हो गई हैं, ऐसा माना जाता है कि इट माइट बी रिटन इन 1586 और इट माइट बी रिटन इन कोलेबोरेशन विद टॉमस नैश टैम्बोलेन। ये बहुत ही खूबसूरत प्ले है, इसका भी थोड़ी सी बात आज करेंगे। पार्ट वन 1587 एंड पार्ट टू 1587-88। तैमूरलेन बहुत ही जबरदस्त प्ले है। ज्यू ऑफ माल्टा 1589, डॉक्टर फोस्टस 89, और सम इन सम बुक्स वी फाइंड द डेट 1593, एडवर्ड सेकेंड 92 एंड द मसेकर एट पेरिस 1593। ये इनके प्लेज हैं। इसके बाद हम पोइट्री की बात करेंगे। ट्रांसलेशन ऑफ द बुक लुकाज पैरिसेलिया, डेट कंफर्म नहीं है। ट्रांसलेशन ऑफ ओविड्स एलिजी, पैशनेट सैफायर टू हिज लव, लेकिन यदि पोइट्री से इनसे क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट है तो वो है हीरो एंड लीडर, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। इट इज एन अनफिनिश्ड वर्क, इनकम्प्लीट वर्क, एंड लेटर इट वॉज कंप्लीटेड बाई जॉर्ज चैपमैन ने क्या किया था, होमर को भी ट्रांसलेट किया है, होमर के वर्क्स को भी ट्रांसलेट करने का काम किया है, और उसी पे कीट्स का एक सोनेट है ऑन जॉर्ज चैपमैन्स होमर, आपने सुना होगा, वो जो है इसी ट्रांसलेशन के ऊपर बेस करता है। तो दीज आर द पोएम्स रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। अब दीदो जो क्वीन है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1594 बाई टॉमस वुडकॉक। द प्ले वॉज एक्टेड बाई चिल्ड्रन ऑफ द चैपल। स्टोरी जो थोड़ा सा प्लॉट है शॉर्ट में बात करते हैं। द स्टोरी ऑफ दिस प्ले ड्रामेटिक टेल ऑफ दीदो। दीदो तो आपको पता होगा एक फीमेल कैरेक्टर है, और फ्रेनेटिकल लव फॉर एनीस, ये किसका कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है आपका वर्जिल का। वर्जिल कौन है, एक रोमन पोइट है, एनीड जिसका वाक है, ये जिसका वाक है, एपिक है ये, यहां से लिया गया है, ठीक है। एंड इट इज अ लव स्टोरी ऑफ दीदो एंड एनीज। एनीज बिट्रेयल ऑफ हर एंड हर इवेंचुअल सुसाइड ऑन हिज डिपार्चर फॉर इटली। मेन जो प्ले है, जो प्लॉट है, वो इस कहानी के ऊपर टिका हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि मार्लो का बाकी ऐसा कोई प्ले नहीं है जिसमें इतना स्ट्रोंग और जबरदस्त फीमेल जो है कैरेक्टर हमें मिलता है। डिडो इज अ लीडिंग कैरेक्टर इन दिस प्ले, दिस इज द ओनली प्ले। और 1990 में टीएस एलियट ने इस प्ले के बारे में कहा है अंडररेटेड, यानी कि इसकी प्रशंसा नहीं की है, अंडररेटेड। तैमूरलेन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, बहुत ही ग्रेट प्ले है। तैमूरलेन से एक क्वेश्चन बार बार आता है कि ये किसकी लाइफ के ऊपर बेस करता है, तो इट इज बेस्ड, लूजली बेस्ड ऑन सेंट्रल एशियन एम्परर तिमूर। तिमूर जो हैं, जो एशियन एम्परर हैं, तैमूरलंग जिसको हम बोलते हैं, उनकी लाइफ के ऊपर है। द लेम पार्ट वन जो है ये पसपोलिस, ओपनिंग सीन जो है, सेटिंग कहाँ की है, पसपोलिस की है। तो पर्शियन एम्परर जो है मिस्टीज डिस्पैचेज ट्रूप्स टू डिस्पोज ऑफ तैमूरलेन, इसको डिस्पोज करने के लिए। तो अ सीथियन शेफर्ड एंड एट दैट पॉइंट अ नोमैडिक बैंडिट। बैंडिट आप समझते हो, चोर डाकू जिसको हम बोलते हैं। इसी सीन में हमें मिस्टीज ब्रदर जो है कोसरो, वो जो है अपने भाई को उसका तख्ता पलट करने का प्लान बना रहा होता है, ये भी कहानी हमें यहीं से पता चलती है। उनका भाई का नाम क्या है, मिस्टीज,
और उनका है खुसरो। अब सीन जो है वो पर्सपोलिस से स्केथिया की तरफ जाता है। यहाँ पर तैमुरलिन क्या कर रहा है, सोन वोइंग कैप्चरिंग एंड विनिंग जेनोक्रेट। जेनोक्रेट कौन है, जेनोक्रेट इज द डॉटर ऑफ द इजिप्टियन किंग। जेनोक्रेट कौन है, सी इज द डॉटर ऑफ इजिप्टियन किंग, उसको जो है वो वू करता है। कहानी इसी के ऊपर मेनली, जेनोक्रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस प्ले में है, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मोटी मोटी सी बातें डिस्कस करेंगे। और फिर तैमुरलिन, ज्योफ माल्टा और डॉक्टर फॉस्टस, इनको फिर अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब ये डॉक्टर फॉस्टस आ गए हैं जिसकी हरदीप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। पूरा जो टाइटल है, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, दिस इज द फुल टाइटल ऑफ द प्ले। बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्लीट टाइटल क्या है। इट इज बेस्ड ऑन फॉस्ट स्टोरी इन विच अ मैन सेल्स हिज सोल टू द डेविल फॉर पावर एंड नॉलेज फॉर 24 ईयर्स। फॉस्टस जो है इट पब्लिश्ड इन 1604, 11 years after Marlowe's death and at least 12 years after first performance of the play. यानी कि perform पहले हो चुका है और उसके बाद as a text publish होता है। ऐसा माना जाता है कि एलिजाबेथन कोई भी प्ले आउटसाइड द शेक्सपियर कैनन raised more controversy than Dr. Faustus. Faustus शेक्सपियर को छोड़ दें तो Faustus जो है सबसे ज्यादा controversial प्ले रहा, सबसे ज्यादा sensational प्ले रहा उस टाइम का। और उसके बाद देर इज नो एग्रीमेंट कंसर्निंग द नेचर ऑफ द टेक्स्ट एंड द डेट ऑफ कंपोजिशन। ये तो रहेगा उस टाइम के जो भी ऑथर है सबके साथ, ये तो रहता है। तो इसके बाद हम जो प्लेज हमारे बचे हैं उनको डिटेल में बात करेंगे। ये सिर्फ मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है आपको, और मार्लो की जो लाइफ थी, बेसिक लाइफ, जो बायोग्राफिकल डिटेल थी वो आपको दी है। इसके अलावा यदि किसी भी फ्रेंड का कोई भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और कल फिर हमारा लेसन होगा, इसी टाइम पे लेसन होगा 3:30 बजे। किसी भी साथी को यदि कंप्लीट कोर्स लेना है तो यू कैन जॉइन अस। तो ये नंबर है स्क्रीन पर, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह के कोई भी डाउट है तो, कोई भी क्वेरी है उसके लिए भी कर सकते हैं। PYQ या मेन कोर्स जो भी ज्वाइन करना वो कर सकते हैं। इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। और यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। बहुत कम लोग जुड़ते हैं, मन नहीं करता है कम लोग जुड़े। तो फिर ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।